पूरी दुनिया में करीब 50 बिलियन पक्षी पाए जाते हैं, जो पूरी दुनिया की आबादी का करीब 6 गुना है, जिसमें से सारी पक्षी प्रजातियां अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, लेकिन कुछ अपना खुद का घोंसला बनाते हैं, क्योंकि एक प्यारे आशियाने की जितनी हम इंसानों को जरूरत होती है, उतनी ही जरूरत इन पक्षियों को भी होती है। और इनका घोंसला इतना शानदार होता है कि आप देखकर कहेंगे कि ये पक्षियां कहीं से इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट का कोर्स करके आई हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक बेहद खूबसूरत पक्षी और उसके नायाब घोंसले के दीदार कराने वाले हैं। नंबर 10, मोंटेजुमा ओरो पेंडुलस। मोंटेजुमा ओरो पेंडुलस बहुत ही खूबसूरत और मेहनती पक्षी है। इनकी कारीगरी देखकर आप इनके दीवाने हो जाएंगे। ये पक्षी खासकर रेन फॉरेस्ट एरियाज में केले के बागानों और बांस की झाड़ियों के पास रहना पसंद करते हैं। ये पक्षी प्रजातियां दुनिया के सबसे भव्य घोंसले का निर्माण करती है। अगर आपने कभी सेब का पेड़ देखा होगा तो आप उससे इनके घोंसलों की तुलना कर सकेंगे। इनके घोंसले पेड़ों की शाखाओं से नीचे की ओर लटके हुए होते हैं, इसलिए इन्हें हैंगिंग नेस्ट कहा जाता है, और ये घोंसले आपको दूर से ही नजर आ जाएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जहाँ भी अपना घोंसला बनाते हैं, वहाँ कम से कम 50 घोंसलों की एक पूरी कॉलोनी बसाते हैं। दिलचस्प बात ये है कि ये घोंसले मादाओं द्वारा बनाया जाता है और नर इनकी रखवाली करता है। इन घोंसलों की खासियत है कि ये पेड़ों की शाखाओं से करीब 3 फीट नीचे लटके हुए होते हैं। ये घोंसले बेहद बारीकी से बुने होते हैं और इन्हें बनाने में कम से कम 9 से 11 दिनों का समय लगता है। ये घोंसला तेज हवाओं में भी अंडे को गिरने नहीं देता है। इस घोंसले का डिजाइन ऐसा होता है कि शिकारी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नंबर 9, द ओवन बर्ड। ओवन बर्ड एक छोटा सा सॉन्ग बर्ड है। इनकी आवाज सुनने में बहुत ही मधुर लगती है। ये न्यू वर्ल्ड वार्बलर्स परिवार से संबंधित है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस छोटे से खूबसूरत पक्षी को इनका नाम इनके घोंसले के कारण मिला है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये पक्षी अपने घोंसले को डच ओवन के आकार में बनाते हैं। ये घोंसला कई तरह से अनूठा है, और दिलचस्प बात ये है कि इस घोंसले के ऊपर एक कवर भी होता है। ओवन बर्ड को मास्टर आर्किटेक्ट कहना गलत नहीं होगा। ये अपने घोंसले के कप, साइड एंट्रेंस और छत को अंदर से बाहर की ओर बनाती है। घोंसला बनाने के बाद ये अपने घोंसले को शिकारियों से बचाने के लिए टहनियों और पत्तियों से ढक देती है। इनका ये घोंसला प्रेडेटर प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस होता है, जिसमें ओवन बर्ड के बच्चे बेहद सुरक्षित रहते हैं। नंबर 8, पेंडुलेंटेड। इस छोटी सी खूबसूरत पक्षी का आकार 7 से 20 सेंटीमीटर के बीच होता है। आमतौर पर ये अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। इनकी चोंच आमतौर पर गोल आकार की होती है। इनके पंख मोटे और पैर अविश्वसनीय रूप से मजबूत होते हैं। पेंडुलेंटेड के घोंसले बिल्कुल असाधारण होते हैं। इनका घोंसला इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। इनका ये घोंसला बेहद खूबसूरत लगता है। ये छोटी सी पक्षी अपने घोंसले को जानवरों के बाल, ऊन, पौधे जैसी चीजों को इकट्ठा करके बनाते हैं। ये अपने घोंसले को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि कोई भी शिकारी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इनके घोंसले में 2 एंट्रेंस होता है। एक एंट्रेंस बस दिखाने के लिए होता है, जो बस छलावरण का काम करता है और शिकारियों को धोखा देने का काम करता है, और दूसरा मेन एंट्रेंस होता है, जो शिकारियों की नजर में नहीं आता है। ये पक्षी अपने घोंसले को खासकर प्रजनन के मौसम में उपयोग करते हैं। नर और मादा दोनों ही लव बर्ड्स मिलकर अपने इस घोंसले को बनाते हैं। एक एक्सटीरियर पर काम करता है तो दूसरा इंटीरियर पर। नंबर 7, द साउथर्न मास्ट वीवर। इस खूबसूरत पीले रंग की पक्षी को अक्सर साउथ अफ्रीका में देखा जा सकता है। ये खासकर पानी वाले क्षेत्रों में पेड़ों और झाड़ियों में अपना घोंसला बनाते हैं। इनके घोंसला बनाने का तरीका भी बेहद
लाजवाब है। ये इतनी खूबसूरती से अपने घोंसले को बुनते हैं कि इनकी इसी काबिलियत के आधार पर इनका नाम साउथर्न मास्ट वीवर रखा गया है। इन पक्षियों में गजब की प्रतिभा होती है। इनके घोंसले पेड़ों की शाखाओं पर लटके हुए होते हैं। इस खूबसूरत मास्टरपीस घोंसले को बनाने के लिए ये एक मजबूत और टिकाऊ शाखा ढूंढते हैं और फिर उस डाली की सारी पत्तियों को उतार देते हैं। फिर ये बांस के लंबे पतले ब्लेड से गांठे बनाते हैं और तब तक काम करते हैं जब तक वो एक खूबसूरत अंडाकार घोंसला नहीं बना लेते हैं। इस घोंसले को बनाने में इन्हें करीब 5 दिनों का समय लगता है। खैर, इसमें कोई शक नहीं कि ये घोंसला अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। दिलचस्प बात ये है कि ये पक्षी अपने इस घोंसले को सिर्फ एक बार इस्तेमाल करते हैं। ये प्रत्येक मौसम में मैक्सिमम 25 घोंसलों का निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं। नंबर 6, द एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाने वाला एक छोटा सा बेहद चंचल पक्षी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पक्षी अपने घोंसले को बनाने में अपने सलाइवा का उपयोग करता है। ये अपना घोंसला अपने सलाइवा को जमा कर बनाते हैं। ये अपना घोंसला खासकर चट्टानों पर बनाते हैं। घोंसले को बनाने के लिए जमे हुए सलाइवा को मोर्टार और सीमेंट के मिक्सचर के रूप में लगाया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक बेहद मजबूत और अनोखा घोंसला बनाते हैं। इस घोंसले को बनाने में पूरे 40 दिन का समय लगता है। जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, इनके घोंसले खाने योग्य होते हैं और दिलचस्प बात ये है कि इनके ये घोंसले बेहद पौष्टिक होते हैं। इनमें उच्च मात्रा में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है। तो है ना सच में ये एक कमाल का घोंसला। नंबर 5, द सोशल वीवर। सोशल वीवर एक छोटा सा ब्राउन कलर का पक्षी है। ये साउथ अफ्रीका के कलाहारी रीजन में पाए जाते हैं। ये दुनिया के सबसे दिलचस्प पक्षियों में से एक है। सोशल वीवर अपने अनोखे लाइफस्टाइल और घोंसला बनाने के तरीके के कारण बेहद यूनिक माने जाते हैं। इनके घोंसले की खासियत है कि ये जो घोंसला एक बार बनाते हैं वो इनकी पूरी जिंदगी तक टिकी रहती है। इनके ये अनोखे घोंसले आमतौर पर आकार में बड़े होते हैं। ये एक पारिवारिक पक्षी होते हैं जो खुद के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए भी घर बनाकर रख देते हैं। दूर से देखने पर इनका घोंसला घास के किसी ढेर के जैसा दिखाई देता है। ये घोंसला बनाने के लिए बड़ी बड़ी टहनियों, सूखी घास, पुआल की नुकीली कीलें और कपास के टुकड़ों का उपयोग करते हैं। इस घोंसले को बनाने में 7 दिनों का समय लगता है। ये घोंसला केप कोबरा और बूमस्लैंग जैसे सांपों को डराने के लिए बनाया जाता है। नंबर 4, हमिंग बर्ड। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी होने के बावजूद हमिंग बर्ड भी अपना छोटा और प्यारा सा आसियाना बनाते हैं। वैसे तो हमिंग बर्ड खुद मात्र 5 सेंटीमीटर के होते हैं, लेकिन इनका घोंसला करीब 1 इंच का होता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनका घोंसला दुनिया का सबसे छोटा घोंसला है। ये अपने घोंसले को खासकर मकड़ी के जाले से बनाते हैं, जिसमें ये पंख और पत्तियों का भी उपयोग करते हैं, जिससे इनके घोंसले को मजबूती भी मिल जाती है और ये घोंसले स्ट्रेचेबल भी होते हैं। घोंसले को बनाने की पूरी जिम्मेदारी मादा हमिंग बर्ड पर होती है। घोंसला कंप्लीट हो जाने के बाद मादा हमिंग बर्ड बिल्कुल कॉफी बीन्स के आकार के प्यारे प्यारे अंडे देती है। मादा हमिंग बर्ड अपना सारा समय चीजों को इकट्ठा करने, घोंसला बनाने और अपने चूजों को पालने में लगाती है। नंबर 3, द मेलीफॉल। मेलीफॉल ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये दूसरे पक्षियों की तरह घोंसला नहीं बनाते हैं। इनका घोंसला सभी पक्षियों से बिल्कुल अलग होता है। मेलीफॉल मोनोगैमस पक्षी है। नर मेलीफॉल अपने घोंसलों के लिए 3 फुट गहरे बिल खोदते हैं। अपने मजबूत पैरों से 3 फीट गहरा गड्ढा खोदकर निकली हुई रेत और पत्तियों से अपने घोंसले के आसपास बड़ा ढेर लगाते हैं। काम पूरा हो जाने के बाद ये उस गड्ढे में घास भरते हैं। इसके बाद घास पर बालू का ढेर लगाकर उसे वाटरप्रूफ बनाया जाता है। इस तरह से ये एक अनोखे घोंसले का निर्माण करते हैं। नंबर 2, द हैमरकॉक बर्ड। हैमरकॉक पक्षी स्कोपस स्पीसीज और स्कोपीडे परिवार की एकमात्र जीवित प्रजाति है। ये पक्षी अपने विशाल घोंसलों के लिए प्रसिद्ध है। इन पक्षियों के पास अब तक का सबसे बड़ा पक्षी घोंसला है। इनका घोंसला किसी विशाल भवन की तरह होता है, जिसे मिट्टी से ढेर सारी छड़ियों को चिपका
लगाकर बनाया जाता है। इसके बाद घोंसले को एक पेड़ में लटका दिया जाता है और कपड़े के स्क्रैप और हड्डियों जैसी वस्तुओं से सजाया जाता है। इनके घोंसले का आकार एक वार्निंग मैकेनिज्म की तरह होता है जिसे कि शिकारी इनसे दूर रहे। इस तरह से ये शिकारियों और दूसरे पक्षियों को चेतावनी देते हैं कि इस जगह पर कब्जा कर लिया गया है। इस नायाब घोंसले को बनाने में इन्हें करीब 6 महीने का समय लगता है। घोंसला पूरा होने के बाद मादाएं अंडे देती है और फिर नर और मादा दोनों ही मिलकर अंडों की रक्षा करते हैं। नंबर 1, द बोवा बर्ड। वैसे तो ये अपने आप में एक बेहद खूबसूरत पक्षी है। इसके साथ ही ये पक्षी अपने नायाब और जटिल घोंसला बनाने के पैटर्न के लिए जाने जाते हैं। ये अपने घोंसले को बनाने के लिए बोवर के रूप में जानी जाने वाली संरचना का निर्माण करते हैं। ये अपने घोंसले का निर्माण लाठी, पत्ते, बेल के तने और बाड़ जैसी सामग्री बिछाकर करते हैं। इसके बाद ये मोतियों, कांच के कंचे और कई अन्य खूबसूरत चीजों से अपने घोंसले को सजाते हैं। इनका घोंसला वाकई में बेहद खूबसूरत होता है। तो कैसी लगी आपको ये शानदार वीडियो और किस पक्षी का घोंसला आपको सबसे ज्यादा अनोखा लगा, कमेंट में लिखना न भूलिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर आपको भी प्रकृति से प्रेम है तो ऐसी ही प्यारी प्यारी प्रकृति से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए अभी वाइल्ड ग्लोज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखिए।